हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइव विद दिशा। टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग काफी रिक्वेस्ट आती थी कि होम टूर कराओ। जब भी मैं वीडियोस डालती थी, रील शेयर करती थी इंस्टा पे, तो डीएम आते थे, कमेंट्स पे बहुत लोग पूछते थे कि एक बार अंदर से होम टूर करा दो। तो सोचा मैंने आज फाइनली वो दिन निकाला कि आप लोग के साथ पे शेयर करती हूँ कि हमने हमारा घर है कैसा और कैसे हमने उसको सजाया है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और दिखाती हूँ आपको घर। इस तरह से हमारी घर की एंट्री, आगे से आपको ये कॉरिडोर मिलेगा एंड ये दरवाज़ा हमने बनवाया अलग से। काफ़ी आरएनडी की थी तो फाइनली हमने स्टील का दरवाज़ा बनवाया था। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक शू रैक भी बनवाया था फ्रंट के स्पेस को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करने के लिए। एंड इस तरफ की वॉल पे भी थोड़ा सा हमने थोड़ा थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी चीज़ें सोची हुई है माइंड में। ये बहुत मेमोरेबल है, जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था घर का तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं इस तरीके की। चीज़ें शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, ये मेरे हाथों के निशान हैं दोनों तरफ। एंड ये जो पत्ते हैं, आम के पत्ते, काफ़ी शुभ माने जाते हैं गृह प्रवेश के दिन। तो इस तरीके से है, आइए आपको ले चलती हूँ सीधा घर पे। वेलकम टू आवर होम। ये वाला जो हमारा डोर है ना, इस डोर में हमने अपने इसकी जो माइका थी ओरिजिनल, वो हमने चेंज करवा के अपने किचन से और बाकी अंदर की आपको दिखाऊंगी अभी, उस वाली वॉल से मैचिंग करके हमने इस पूरी माइका को चेंज करवाया है। और ये मैट फिनिशिंग में है माइका इसका। हमने जो ये वाला हैंडल है वो भी चेंज करवाया, ये भी चेंज करवाया, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था, थोड़ा बड़ा हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमने ये डोर में ये चेंजेस करवाए। नेक्स्ट, आपको जब घर में एंटर करते हो तो आपको ये दिखाई देगा टीवी पैनल वाला एरिया, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा भरा हुआ कुछ नहीं रखना था। हमारे लिविंग रूम का जो मेन पर्पस था, हमें थोड़ा सा ओपन स्पेस चाहिए और थोड़ा सा अपने घर को यूरोपियन वाला थीम में रखना था। तो हमने टीवी पैनल के लिए बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करवाया है, बट ये हाँ, वुडन ब्लॉक के अंदर हमने ये वाली ये ब्राउन कलर की स्ट्राइप हमने चूज करी। कलर हमें बहुत सारे मिल रहे थे, बट कुछ ब्राउन के साथ में गोल्डन के साथ जाने के लिए हमने ये वाली स्ट्राइप चूज करी। इसके बाद हमने जो ये ब्लैक वाले जो आते हैं सॉकेट, ये चेंज करवाए ताकि वो थोड़ा मैचिंग लगे। एंड नीचे आपको ये सारा का सारा वाइट कलर का पूरा हमने काम करवाया था अपने टीवी पैनल पे। इस तरीके से इसमें हमने थ्री रैक्स बनवाए थे। ये वाला एरिया हमने थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्पेस अपनी चीजों को दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है। कुछ कुछ चीजें हमने रख भी दी है। कुछ चीजें आपको ये मेरे हॉल्स में पहले दिख गई होंगी, मीशो के और अमेजोन के। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें गिफ्ट मिली थी अपने हाउस वार्मिंग पार्टी पे, तो हमने वो चीजें भी यहाँ पर रखी हुई है। एंड इसके बाद हमारा जो आते ही जो एंटर करते सबसे मेन आपको दिखाई देगा घर पे, वो है हमारा मंदिर वाला एरिया। आप जब भी जैसे फ्रंट गेट पे एंट्री करते हो और सीधा आपको दिखता है मंदिर का व्यू। और इसके लिए हमने काफी चीजें अपने वो डिजाइनर को बोली। इस तरीके से आपको ये ओम के डिजाइन पे हमने ये वाला फाइनल करवाया कटिंग। ये पूरा का पूरा एक वाइट ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा है, उसके अंदर हमने प्रॉपर एलईडी लाइट फिट करवाई ताकि ये वाला व्यू आपको दिखाई दे। ऊपर से हमने इसमें सेम अपने किचन की जो एंट्रेंस है एंड जो ये इसके ऊपर का शेड है और जो हमारी फ्रंट रूम फ्रंट डोर की जो माइका है, वो सारी की सारी चीजें मैचिंग है। ये सबसे फेवरेट पार्ट है हमारे मंदिर का। ये आपको मिल जाएगी अमेजन में, मैंने आपके साथ पे शेयर कर चुकी हूँ हॉल। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एक छोटी सी सेल्फ हमने यहाँ पर रखवाई थी सेम ब्राउन कलर पे, ताकि हमारे भगवान जी इसमें फिट आ जाए। कुछ कुछ रह गए अभी, बहुत थोड़े बहुत रखे हैं अभी हमने। एंड नीचे आपको पूरा वाइट माइका के साथ पे थोड़ा बहुत ड्रॉर्स दिखाई देंगे। ये हमारे मंदिर का सिटिंग वाला एरिया है और जहाँ पर हमारा सिर्फ प्रॉपर मंदिर के सामान के लिए हमने ये ड्रॉर्स बनवाए। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे लिविंग रूम के दूसरे कॉर्नर पे, जहाँ पे आपको प्रॉपर सिटिंग का स्पेस मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बोला, हमारा रूम हमने ऐसे लिविंग रूम को रखना था कि थोड़ा सा उसमें ओपन स्पेस रहे और थोड़ा सा यूरोपियन टच दिया है। तो उसके लिए हमने पूरे अपने एल शेप में ये वाली पैनलिंग करवाई है। ये पूरी की पूरी वुडन ब्लॉक, पूरा पूरा वुडन लगा है एंड उसके ऊपर ये पैनलिंग का डिजाइन किया हुआ है। देखा होगा कि पहले चलते थे ना वो 7 सीटर वाले सोफे, वो हमें चाहिए नहीं थे क्योंकि वो काफी आपका स्पेस भी ले लेते हैं एंड वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन भी लगने लगा था। तो थोड़ा सा हमें ओपन स्पेस में चाहिए था। तो सोफे में आप देखोगे आपको नीचे से भी गैप दिखाई देगा। स्पेस के लिए भी हमने 5 सीटर लिया हुआ है।
ग्रे कलर का हमने चूज किया है कलर, एंड इसके जो हमारे एल शेप के कॉर्नर में हमने रखे हैं ये वाले आर्टिफिशियल प्लांट। मतलब ये आप कभी लगता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल से हैं, आप कभी भी देखोगे बहुत ग्रीन करके पूरी वाइब इतनी अच्छी देते हैं, लिविंग रूम को इतना ज्यादा लाइवली बना देते हैं। तो बहुत अच्छा सा ये इस कॉर्नर है हमारा, जिसको मैं बड़ा अच्छा भी लगता है और मतलब मजा भी आता है। जब हमने दो प्लांट्स रखे हैं तो और ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर से लगने लगता है। फिर उसके बाद हमने जो किया था ना कि हमें पैनलिंग के साथ में कुछ ना कुछ करना था, तो ये वाली जो पेंटिंग आपको दिख रही है ये है, ये अब हैंडमेड पेंटिंग है, जिस शॉप से मैंने परचेस की थी जाते ही लगी थी और काफी सुंदर लग रही थी, काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रही है, आपको भी दिख रही होगी। तो जैसे हमने देखा कि हमारे पैनलिंग के गैप के हिसाब से काफी सूट करेगी, और इसमें भी ना वो हल्का ब्राउन टच है, गोल्डन स्ट्राइप कर रखी है, और अंदर भी जो वर्क है वो थोड़ा मल्टी कलर है, तो वो और ज्यादा रूम को ना सुंदर सा बना देता है। तो काफी हमें अच्छा लगा, और हमें जाते ही ना ये हमने टाइम भी नहीं लगाया है, बहुत जल्दी इस पेंटिंग को फाइनलाइज कर दिया था, बहुत अच्छा ये वाला ऑप्शन था। उसके साथ में हमने अपने जो फैन करा रखे हैं वो भी कुछ व्हाइट और गोल्डन में दिया है, ताकि वो रूम की बाकी कलर्स के साथ मैच कर पाए। एंड फिर आपको दिखाई देगा ये वाला झूमर, ये भी हमारा कुछ टाइम बाद हमने लिया था, लेकिन अच्छा सा लगा हमें, जिसमें सिर्फ गोल्डन वाला था, मैट फिनिशिंग में आपको दिखाई देगा। इसमें भी आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं, कम यूज करते हैं, बहुत रेयर, बट अच्छा सा वाइब देता है घर के अंदर ये वाली। एंड ये हमारा इतना जो स्पेस है ये प्रॉपर लिविंग रूम का है। साथ में बात करते हैं सबसे मेन इसकी सेंटर टेबल की, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। जनरली हमें जो टेबल्स मिल रही थी वो मिल रही थी वुडन पे, ग्लास वाली, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ टाइम बाद ना उतनी रहेगी नहीं, मतलब लाइक थोड़ा सा आगे के हिसाब से, फैशन के हिसाब से तो कुछ नया चाहिए था। तो हमने सोचा क्यों ना मेटल के साथ पे हम पत्थर वाली जो ग्रेनाइट का ये लगा हुआ है, तो इसमें हमने ये व्हाइट और ग्रेश थोड़ा सा डार्क ग्रे में इसको चूज किया है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन और वेरिएशन मिल जाएंगे, इसमें भी 3 से 4 साइजेस इसमें अवेलेबल है। तो ये साइज हमें परफेक्ट लगा है हमारे लिविंग रूम के लिए। एक छोटी सी मैंने यहाँ पर एक प्लेसमेंट रखा हुआ है, और एक इसके साथ पे एक चीज आनी बाकी है, तो पूरा का पूरा लिविंग रूम बहुत सुंदर दिखाई देगा आपको। चलते हैं हमारे घर के दूसरे कॉर्नर में, एंड किचन वाले एरिया में आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वाला कॉर्नर आप देखो, थोड़ा पास आना पड़ेगा आपको। आइए आपको ले चलते हैं अपने घर के दूसरे कॉर्नर की तरफ। ये वाला जो कॉर्नर है हमने लिविंग रूम से पूरा सेपरेट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे ये वाली क्लॉक, आपको विंटेज क्लॉक मिल जाएगी, थोड़ा सा अलग और गोल्डन थीम में हमने वाली क्लॉक परचेज करी थी। एंड यहाँ जब आप इस रूम इस तरफ आओगे तो आपको पूरा सेपरेट व्यू दिखाएगा, दिखाई देगा, सेपरेट वाइब्स ही आएगी, कुछ अलग सा दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले ये टेबल और चेयर का जो हमारा हमने कॉम्बो लिया था। वैसे मेन पर्पज हमारा था इसको बालकनी में रखने का, बट बालकनी से अच्छा हमें ये यहाँ पे लगती है। और ये वाला हमने जो वाला डाइनिंग वाला एरिया है ना, इसको ऐसे यूटिलाइज किया है, जब हमारा मन करता है हम यहीं पर खाना भी खा लेते हैं, तो काफी अच्छा सा लगता है। ये वाली हमने एक पेंटिंग परचेज की थी इस वॉल को यूटिलाइज करने के लिए, एंड काफी सुंदर सा मैच करता है, गोल्डन और ब्लू शेड में है। और लिविंग रूम के से सेपरेट करने के लिए डाइनिंग के हिसाब से मुझे काफी परफेक्ट लगती है ये वाली पेंटिंग। अगर आप देखोगे तो काफी एक अलग शाइन आपको दिखाई देगी इस पेंटिंग में, और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है इसको जब देखते हैं, कलर बड़ा अच्छा सा खिल के आता है। साथ में हमने ये मैक्रेम का रखा हुआ है, साथ ये वाला हमारा जो एक आर्टिफिशियल फॉलिंग वाला पॉट है इसको रखा है। साथ में हमने अपने छोटे से मिनिएचर्स रखे हैं मैचिंग करते हुए, और हमने अपना फ्रिज भी अपना ग्रे कलर का ही लिया हुआ है, उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट पतिदेव ने मुझे दिया है, इतना प्यारा स्माइलिंग करता हुआ ये। इसके साथ ये ग्रीन कलर के एक और हमने यहाँ पे फॉलिंग वाला पॉट रखा है ग्रीन लीव्स का, काफी सुंदर लगता है। और ये वाली भी एक दो हमने बनवाई थी, और मेरा एक शू रैक और ये वाली, ये माइका हमारे दूसरे बेडरूम है उसके साथ मैच करती है। तो वैसे हमने इसको नॉर्मल कुछ ना कुछ रखने के लिए बनाया था, बट अभी हमें लगा कि इस वाले कॉर्नर के लिए काफी अच्छी है, तो सारा सामान हमने इसी के अंदर डाला हुआ है अपना। ये वाला कॉर्नर हमारा कंप्लीट होता है, मैं आपको ले चलती हूँ सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ। डोर खुलते ही आपको इस तरीके से व्यू दिखाई देगा, पूरा का पूरा रूम हमने वाइट और ग्रे की थीम पे बेस्ड है, काफ़ी चीज़ें सब कुछ उसी से मिलती जुलती है।
एंटर करते ही आपको पहले तो लाइव प्लांट दिखाई देगा, काफ़ी सुंदर सा। और प्लांट रखने के पीछे काफ़ी अच्छा रीज़न भी है, पॉजिटिव वाइब्स भी रहती हैं, थोड़ी सी ना हवा पानी भी अच्छा रहता है। ये है हमारा बेड, मैंने बताया ना काफ़ी R&D करी, बहुत कुछ देखा था, उसके बाद हमने ये बेड का डिज़ाइन का सिलेक्शन किया था, कलर चूज़ किया था। यही चीज़ फ्रंट में भी आपको दिखाई देगी। एंड ये रही पेंटिंग, ये इस रूम की ना सबसे फेवरेट पार्ट है हमारा। पेंटिंग हमने जहाँ से अपनी हैंडमेड पेंटिंग ली थी उसी जगह से हमने ये वाली पेंटिंग भी ली थी, और हमें कुछ बेडरूम के हिसाब से चाहिए थी तो कुछ कपल के हिसाब से हमने ये पेंटिंग को चूज़ किया। और ये साथ में जो आपको आर्टिफिशियल लीव्स दिख रही हैं, ये भी मेरे मीशो या अमेज़न हॉल जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी। और अगर मैं एक कोने की तरफ जाऊँ तो ये हमारी जो बिल्डर ने अलमीरा का स्पेस दिया था, वहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन चूज़ करके ये अलमीरा बनवाई। कर्टेंस भी हमने कुछ वाइट और ग्रे के ही थीम में रखे हुए थे, कॉम्प्लीमेंट करता है हमारा वाइट AC इसके साथ में। एंड ये रहा TV, मैंने बोला था ना वहाँ TV आपको दिखाने जहाँ पर पैनलिंग करवाई थी, क्योंकि थोड़ा वहाँ के लिए हमें एक साइज़ अप चाहिए, तो हमने मीनवाइल अपने बेडरूम पे TV लगाया है। और ये व्यू ना, मतलब आप बेड पे लेटे हो और आपको इतनी अच्छे से वाइब अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, तो ये है। अब मैं आपको पास से लेके चलती हूँ, क्योंकि बेडरूम हमारा तो मैंने हमारी ही कपल वाली पिक्चर को रखा हुआ है, हमारे प्री वेडिंग शूट की पिक्चर है। और साथ में ये हम उदयपुर गए थे तो वहाँ से हम ये वाला एक कपल वाला एक कुछ मेटल में लेके आए थे, काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी यूनिक लग रहा था, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था अपने बेडरूम के लिए। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस रूम के सेकंड बेस्टेस्ट पार्ट के पास, जो सबसे मेरा फेवरेट और हर लड़की का काफ़ी फेवरेट होता है। सी ये मिरर ना, मतलब लाइक हमने बहुत कुछ प्लान किया और उसके बाद हमने इसे फाइनलाइज़ किया। यहाँ पर आपको मतलब लड़कियों को तो चाहिए होता है पूरा लुक, और अभी तो मेरे हस्बैंड को भी ऐसा हो गया ना लास्ट में अपना पूरा लुक देखने के लिए, वो यहाँ पर आ जाते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है, पूरा का पूरा गेटअप दिख जाता है मैचिंग। आप अभी अगर देखोगे तो जो हमारे साइड बल्ब हैं ये वाले, ये भी आपको वाइट ग्रे थीम में ही हमने चूज़ किए थे, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें भी हमने मिरर में कुछ LED वाला करवाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ऐसे करके इसमें 1, 2, 3 कलर के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। नाइट में ये वाली लाइट्स लगा के आपको चेकआउट करना है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये था ओवरऑल हमारा बेडरूम, जिसे हमने बहुत सुंदर अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके सजाया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हम स्विच मारते रहते हैं, आज ये चीज़ बाहर निकाल लिए, एक महीने बाद हम कुछ और रख देते हैं और उसको फिर संभाल देते हैं, जैसा घरों में किया जाता है। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं, मैं आपको अब सीधा ले जाती हूँ अपने रूम से अटैच बालकनी की तरफ, जो काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। तो ये कर्टन के पीछे से आपको ये पिटारा मिलेगा, आपको खुशी का पिटारा, खुशियों का पिटारा। और इस तरीके से आपको पूरी बालकनी मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस है बालकनी एंड बहुत सुंदर सा व्यू आता है। सबसे अच्छा लगता है मुझे बालकनी में कि हमारी बालकनी में ना काफ़ी स्पेस है, और समटाइम्स वो छोटी बालकनी हो, रूम बड़े होते हैं वो अच्छे लगते हैं बहुत लोगों को। मेरी चॉइस के हिसाब से मुझे थोड़ी बालकनी में स्पेस चाहिए था, और इवनिंग में आप ये चीज़ बैठ के यहाँ से आराम से देख सकते हो। मेरे और मेरे हस्बैंड का टी टाइम जनरली वीकेंड्स में ऐसे ही गुजरता है, और ट्राई करते हैं हम ऑफिस आवर्स में भी ऐसा करें कि चाय ब्रेक में तो आप मैनेज कर ही लेते हो। थोड़ा बच्चों का हल्ला गुल्ला रहता है तो बड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा लाइवली लगता है। ये वाली टेबल है ना, ये हमने जो है काम चला था तो अपने इंटीरियर वाले से बनवाई थी काम के लिए, तो उसके बाद वो उसको हमने रख लिया था कि हाँ काम आ जाती है। और बहुत जगह हमारी काम आती है, जब क्लीनिंग करते हैं ना बैठ के तो उस समय बहुत काम देती है। तो इस तरीके से हमारी बालकनी का ये पूरा का पूरा व्यू है, काफ़ी सुंदर सा है और काफ़ी रिलैक्सिंग सा है। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ हमारे अब गेस्ट रूम की तरफ। अब मैं अंदर आ गई क्योंकि बाहर बच्चों की आवाज़ बहुत शोर आ रहा है, तो मैंने बंद कर लिया सब कुछ। एंड चलते हैं सीधा गेस्ट रूम की तरफ, बट उससे पहले अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारे रूम के एंट्रेंस के ऊपर पे ये जाली वाला डिज़ाइन है जो हमने बनवाया था। इसमें आप वाइट ब्लैक कुछ भी पेंट करवा सकते हो और लाइट्स भी लगा सकते हो, बट अभी हमने वो छोड़ा हुआ है, कलर हमने वाइट लिया हुआ है। इसी रूम से अटैच हमारा वॉशरूम है,
वॉशरूम में हमने ज़्यादा कुछ काम कराया नहीं है, क्योंकि जो बिल्डर ने दिया था वो हमें ठीक ठाक ही लगा था। इस तरीके से काफ़ी स्पेशियस है, मिरर वगैरह भी हमें बिल्डर ने ही लगा के दिया था। तो इस वॉशरूम में हमने ऐसे स्पेसिफिक कुछ काम कराया नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ठीक लगा था। आगे हमने सोचा है बहुत कुछ कराने का। चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ, और बेडरूम के बाहर से भी आपको ये शुभ चिन्ह स्वास्तिक का दिखाई देगा। दिखाती हूँ आप किस तरीके से रूम अंदर से दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से है, और अंदर घुसते ही मैंने बोला ना, और कुछ करवाया नहीं करवाया, हमने मिरर्स ऐसे रखवाया ना कि हम जाते अपने को दिखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो रूम एंट्रेंस करते ही आपको बड़ा सा पूरा मिरर दिखेगा, जिसमें आप पूरी अपने को देख सकते हो और इंजॉय कर सकते हो उस व्यू को। एंड ये रूम हमारा बेसिकली ब्राउन और वाइट की थीम पे है, ज़्यादा हमने कुछ करवाया नहीं है। इस रूम में ही हमारी पूरी बड़ी वाली जो अलमीरा होती है, स्लाइडर वाली बनवाई है, ऊपर भी हमने कैबिनेट्स बनवाए हुए हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सुंदर सा है, काफ़ी स्पेशियस है, सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो चुकी है हमारी। ब्राउन और वाइट का ये थीम है, ये वाली हमारी जो माइका लगी हुई है ब्राउन में है, एंड इसी के साथ में हमने करते हुए बेड भी हमने अपना ब्राउन चूज़ किया है। एंड इसमें इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के जो ऊपर के हमारे कुशंस हमने चूज़ किए हैं, काफ़ी हाइट नहीं ली है, वो हमारे मास्टर बेडरूम में है। मैचिंग बीन बैग ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा, होप सो आपको अच्छा भी लगेगा। काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, जब आपको हर समय बेड पे नहीं जाना होता है तो बीन बैग बहुत काम आता है। अभी हमारा एसी चल रहा है और हमारी कुछ कुछ चीज़ें नहीं निकली है, तो भी हम इस अपनी इस छोटी सी रजाई का यूज़ करते हैं। और तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। इस रूम में अभी हमने बहुत ज़्यादा काम करवाया नहीं है, हमें बेड के पीछे के लिए कुछ सोचना है और कुछ वॉल्स के लिए भी सोचना है, तो वो भी हम थोड़ा टाइम लेंगे एंड देन सोचेंगे कैसे करना है। और थोड़ा सा मैच करने के लिए हमने ये ब्राउन और गोल्डन के रोज गोल्ड में फैन लिए थे। तरह से व्यू देखे इस रूम का, तो यहाँ पे उन्होंने टीवी पैनल का स्पेस दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है, एसी के लिए उन्होंने ये स्पेस दिया हुआ है जो भी पेंडिंग है हमारा काम, और इस अलमीरा के लिए भी हमने कुछ सोचा हुआ है। इस यहाँ पे हमने कर्टेंस नहीं लगवाए हैं, तो फाइन बाद में आपको दिखाई देगा एंड जब कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। इस रूम के साथ पे जो आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, उस पे हमने कुछ कुछ चीज़ें करवाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरीके से सेम स्पेस आपको मिलेगा जो आपको मेरे मास्टर बेडरूम से दिखाई दिया था, बट इसी के साथ में हमने अपनी चीज़ें यहाँ पर फिट करी हुई हैं। मिरर आपको बिल्डर ने दिया था, ये हमने एक दो चीज़ें लगवाई हैं, एक ये ड्रायर एंड सेकेंड हमने ये अपना मेकअप मिरर लगवाया था, जो काफ़ी ज़रूरी होता है थोड़ा ना पास के लोग को देखने के लिए, करने के लिए, और मुझे तो ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि ये लगवा लेते हैं तेरे लिए, तो काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से आपका ये सेकेंड रूम भी खत्म चलो होता चलते है। हैं हम हमारे किचन की तरफ, और फॉलो मी। सो ये है हमारी किचन, जिसको हमने पूरा व्हाइट और ग्रे थीम में रखा हुआ है। थोड़ा सा अंदर आके दिखाओ। तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट हमने मैट फिनिशिंग के साथ पे रखे हैं, स्मूथ फिनिशिंग में रखा हुआ है। तो ऊपर का पूरा कैबिनेट्स वाइट थीम में है, नीचे आपको पूरा आपको ग्रे में दिखाई देगा। जितने भी आपको एसेंशियल कैबिनेट चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये हमारा आपको सामने पे बालकनी है, जो मेरे लिविंग और किचन के साथ पे अटैच है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। बहुत सिंपल सा किचन रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, नीट एंड क्लीन हमें अच्छा लगता है, तो उस तरीके से उसको मेंटेन भी करने की कोशिश करते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप जब किचन पे एंट्री करते हो, तो हमने किचन पे इस तरीके से एक पैनलिंग कराई है सेम ब्राउन कलर की, जो हमारे रूम के हमारे जो एंट्रेंस डोर है उसके साथ पे मैच करती है। तो फ्रंट से भी आपको भी दिखाई देंगे, बैक साइड है जो पैनलिंग आपको दिख रही है पूरी की पूरी। ये फ्रंट इतना ऐसे ना किचन का दरवाजा जो होता है, जिसको अलग से हमने हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से इसमें पूरी माइका लगवाई थी। और चलते हैं हमारे सीधा बालकनी की तरफ, जो हमारे घर की सेकंड बालकनी है। तो चलते हैं हमारे दूसरे खूब के दरवाजे की तरफ। ये हमारे लिविंग रूम से और वहां से हमारे
किचन से कनेक्शन रहता है उससे, एक तरीके के बालकनी वाला एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है बिल्डर ने, जहाँ हमारे रूम भी हमें सेटिस्फाइड लगती है और इसके साथ में काफ़ी मज़ा आता है। ये वाला स्पेस भी इतना है कि आप आराम से बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारा अच्छा सा व्यू आपको दिखाई देता है, जैसा व्यू आपको मेन बालकनी से दिखाई देगा जो मैं भी आपको लेके जाऊंगी मास्टर बेडरूम के थ्रू। इस वाला कॉर्नर में हमने अपना सिंपल सा मंदिर पूजा के लिए तुलसी का पौधा रखा है और एक तरह से प्लांट रखे हुए हैं, स्नेक प्लांट है, शो प्लांट रखा हुआ है। और इसी बालकनी के दूसरे कॉर्नर पे आपको दिखाई देंगे हमारे दो अलग प्लांट, इनके नाम मुझे पता नहीं है, पर हमने बारिश के साथ में इनको फिट किया हुआ है। एक और चीज़ हमने करी थी बालकनी में, हमारे सारे जितना भी हमारा सामान रखा होता है डॉलीज, वो सारी चीज़ें हमने इस वाली अंधेरा को बनवाया था और इसको पैक करके रखी है। ये भी हमारी पूरी की पूरी स्मूथ फिनिशिंग के साथ है और जो इसको हमने यूटिलाइज़ किया है हमारे बिल्डिंग में, तो किचन के अंदर भी हम उनको ये लगवा के दिए थे हाफ मॉड्यूलर किचन का, जो चीज़ें हमने यहाँ पर लकड़ी को और इस मैटर को यूटिलाइज किया। ये थी पूरी ओवरऑल बालकनी, चलते वापस। यहीं पे हमारे घर का जो होम टूर होता है वो ख़त्म हो जाता है और होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा घर पसंद आया होगा। जो भी इस घर का बेस्ट पार्ट आपको लगा है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बिग थम्स अप ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।